नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सभी घर पर आ चुके हैं तो थोड़ा सा बहुत पढ़ाई कर लेते हैं। मतलब मैंने जो सामान होता है सब कुछ निकाल लिए, सारा कुछ यहाँ पर पढ़ाई का सामान लिए निकाल लिए। तो काफ़ी दिन हो गए रील्स मैंने मतलब थोड़ी दो बहुत ही कम अपलोड की, तो आज सोचा है थोड़ी बहुत रील्स शूट कर लेते और अपलोड कर लेते। तो अभी फ़िलहाल जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो अभी फ़िलहाल हम रील्स शूट करते और व्लॉग को आज के दिन को हम कंटिन्यू करते। तो चलिए अभी ढूंढते हैं ये थिनर। मेरे भाई को काम आ गया, कुछ तो भी निकालना है उसको, तो देखते हैं यहाँ पर हमें थिनर मिलता है या नहीं। सो अभी फिलहाल 1 बज रहे तो अभी घर पर फिलहाल कोई नहीं, जैसे कि आपने भी फिलहाल देखा होगा मेरे गांव का थोड़ा सा शूट, तो घर के सामने मतलब कोई भी नहीं, सबके सब जो खेती में गए हुए हैं। सो अभी फिलहाल मैं और मेरा भाई घर पर है और वो भी जो अभी जाने वाला है खेती में, मतलब उसके एक्सपेरिमेंट शुरू है उसके काम के ऊपर। बेसिकली वो हमारे खेत में हर तरह का एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे कि उसका चैनल आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बताया, देख सकते हैं उसी की ये सिल्वर प्ले बटन है, तो वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है और वही वो सब कुछ करता है। तो अभी वो जाने वाला है खेत में, तो शायद उसी के एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने थिनर ढूंढा था। तुझे चाहिए था कुछ तो भी जॉइन को लगाने के लिए, निकालने के पता नहीं किस लिए चाहिए था। सो अभी फिलहाल मैंने एक रील्स मतलब काफ़ी फेमस हो रहा है मराठी सॉन्ग, गांव के बारे में काफ़ी फेमस है वो सॉन्ग, तो उस पर बनाइए, तो देखिए और बताइएगा कैसा लगा। तो काफ़ी मतलब गांव में तो काफ़ी सारे लोग रहते हैं, काफ़ी सारे लोगों को रहना पसंद है, आपको नहीं कि नहीं है कि नहीं पता नहीं, नीचे कमेंट बताइएगा ज़रूर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के व्लॉग को, गाँव में रहने का मज़ा। दोपहर के 1 बज रहे और देखिए कोई नहीं है गांव में, पूरा गांव सुनसान खड़ा है। अभी अकेली मैं और मेरा भाई घर पर है। सो यहाँ देखिए बच्चे आ गए, यहाँ पर खेलते खेलते कहीं दूर गए थे शायद, ये खेलते खेलते यहाँ पर खेलते खेलते ये लेकर आ गए, कुछ ना कुछ तो सामान लेकर रहते हैं इनके हाथों में खेलने के लिए। तो चलिए देखिए अभी अंदर मेरा भाई पर जो बैठ कर जो अभी काम कर रहा है, ये तो चले अपने खेलने के लिए सभी के सभी सरप। तो अभी हम अंदर चलते, मुझे पानी पीना है। तो ये देखिए मेरा भाई यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहा है, जो कि वो हमेशा करता ही करता है, मतलब उसके जो भी वो खेती में प्रयोग करता है, यानी कि उसका जो चैनल है एग्रीकल्चर फार्मर, उसके लिए वो सारे घर पर ही प्रैक्टिकल करता है। तो याद है कि वो मशीन तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है, जो चना होता है चने के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हमें निकालना होता है, ताकि वो अच्छे से फैल कर अच्छे से मतलब उत्पादन हमें आ सके। तो ये मशीन ख़राब हो गई थी पिछली बार वर्क करने के बाद, तो मतलब किसी और को दे दी थी बाबा ने, तो अभी फिर से जो उसे दुरुस्त कर रहा है ताकि अच्छे से हमारे चना को हम साफ कर पाए। सो ये देखिए तो पूरी साफ़ कर गई है। तो इस मशीन को जो है वायर के सहारे उस मोटर पंप को लगाकर वायर करता है जहाँ से वो कटाई होती है। सो ये वो मशीन है जो कि मेरे भाई अभी फ़िलहाल दुरुस्त कर रहा था, यानी कि हमारे जो खेत में जो चना है उसके ऊपर के डंडे निकालने के लिए, ताकि वो अच्छे से फैल कर अच्छे से बन पाए, इसलिए इसे अभी दुरुस्त कर इसे एक बॉक्स लगा दिया है। दोपहर का समय हो गया, 2 बजने वाले हैं। मेरे काका जो है अभी घर पर जो है कपास की जो गठड़ी होती है मतलब जिसमें हम कपास स्टोर करते हैं वो लेकर आ चुके हैं साइकिल के ऊपर से अभी घर पर फिलहाल। तो अभी मेरी आई भी घर पर आ चुके हैं, तो वो जो चने की जो सब्ज़ी होती है जो कि वो लेकर आई है, जो कि आज शाम को सब्ज़ी बनाएंगी शायद, इस वजह से चना का मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है वो लेकर आई है। तो यहाँ पर देखिए और इसे साफ़ कर किया जाता है पहले सब्ज़ी बनाने के, ताकि इसमें जो है कोई अली वगैरह ना रहे जो कि खाने में ना जाए, तो इस तरह से उसे जो है झटकारा जाता है, ताकि उसमें से सारी अली निकल जाए और अच्छे से वो मतलब सब्ज़ी के लिए हो जाए। तो बाहर देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे सभी के सभी गाड़ी के ऊपर बैठ कर, और यहाँ पर देखिए अभी इस कुत्ता भी जा रहा है सामने से, और ये देखिए छोटा टायर लेकर कैसे दौड़ रहा है इधर से उधर इधर। सो मेरी दादी को मैं सब्जियाँ देने के लिए गई थी, तो अभी मेरी दादी यहाँ पर जो है सब्जी की जो निकाल रही है यहाँ पर। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से कल। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।